हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यह हुंडई एक्सेंट है, तो इसका एसी का जो एसी का गैस है उसे किस तरह से इसका लीकेज चेक किया जाता है एसी सिस्टम का, और किस तरह से इसका गैस है वो रिफिल किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मशीन के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से गैस इसमें रिफिल किया जाता है। अगला एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं विदाउट मशीन भी किस तरह से गैस रिफिल किया जा सकता है वो आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मशीन के थ्रू इसे किस तरह से रिफिल किया जाता है और लीकेज किस तरह से चेक किया जाता है। तो दोस्तों, यह जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, और उससे पहले अगर आप यहाँ पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। चलो इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गाड़ी के एसी की जो सिस्टम होती है हमने पूरी की पूरी चेक कर ली है। अब हम इसमें गैस को रिफिल करने वाले हैं। उससे पहले हमें इसका लीकेज है कि नहीं वो चेक करना होगा। लीकेज चेक करने के लिए हम इसमें एयर डालेंगे, इसकी एयर सिस्टम है। तो एयर किन से डालेंगे, आप यह छोटा सा कंप्रेसर देख सकते हैं। यह आप रेफ्रिजरेटर रहता है घर पे, उसके अंदर इस तरह का कंप्रेसर रहता है, उसकी मदद से हमने इसे बनाया है। तो आप भी इसे इस तरह से बना सकते हैं। तो इसकी मदद से हम इसके अंदर गैस पहले एयर डालेंगे और उसका लीकेज है कि नहीं वो चेक करेंगे। दोस्तों, कार के अंदर इस तरह से दो वाल्व रहते हैं। एक हाई प्रेशर वाल्व रहता है जिसके ऊपर एच लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं लो प्रेशर वाल्व है। तो इन दो वालों की मदद से हमें इसके अंदर गैस को डालना होता है। तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले लो प्रेशर वाल्व के अंदर से हम इसके अंदर एयर डालेंगे, ताकि क्या हो सके हमें पता चल सके कि इसके अंदर लीकेज है कि नहीं वो। दोस्तों, अंदर एयर डालने के लिए हमें इस तरह के हाई प्रेशर मीटर रहते हैं, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और आप देख सकते हो, ये लो प्रेशर के वाल के ऊपर लग सके उस तरह का ये उसका कनेक्टर रहता है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें वहाँ पे लगा देना है। तो दोस्तों, इसको इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और बाद में इसको क्या करना है, पूरी तरह से ओपन कर देना है, इस वाल को खोल देना है, ताकि क्या एयर अंदर जा सके। इसके इस दूसरे सिरे को हमें इस कंप्रेसर के साथ अटैच करना होगा। तो दोस्तों, इसके वाल को यहाँ पे इसे अटैच कर देना है। अटैच कर देने के बाद हमें क्या करना है, इस वाल को पूरी तरह से ओपन कर देना है। अब दोस्तों, इस कंप्रेसर को स्टार्ट करके हमें इसके अंदर 250 तक प्रेशर को फिल करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं धीरे धीरे अंदर एयर है वो रिफिल हो रही है। तो हमें यहाँ तक 250 तक इसे अंदर एयर को रिफिल करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसमें 250 तक प्रेशर फील कर दिया है। अब क्या करना है, इसे एक घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देना है, ताकि अगर अब बाद में यह जो डाउन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें लीकेज है। अगर वैसे का वैसा रहेगा तो कोई लीकेज नहीं है, इसमें हम गैस को फील कर सकते हैं। दोस्तों, हमने इसे 1 आवर तक छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं इसका प्रेशर जो हमने 250 रखा था वो कम्प्लीट है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कोई भी लीकेज नहीं है इसका मतलब है, तो अब हम इसके अंदर गैस फील कर सकते हैं। दोस्तों, गैस फिल करने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करने वाले हैं। तो मशीन में आपको दिखा देता हूँ, पहले इस तरह से मशीन में दो नॉब रहते हैं दोस्तों, एक हाई प्रेशर के लिए और लो प्रेशर के लिए। लो प्रेशर का है उसे हमें लो प्रेशर के साथ अटैचमेंट कर देना है, हाई प्रेशर का है उसे हाई प्रेशर के साथ हमें अटैचमेंट कर देना है। हाई प्रेशर का जो वाल होता है दोस्तों, ये साइज़ में बड़ा होता है लो प्रेशर के हिसाब से, इसे यहाँ पर इसको लगा देना है। तो बाद में दोस्तों हमें यह वाल को ओपन कर देना है। दोनों वाल को भूलना नहीं है, परफेक्टली ओपन कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि कार के अंदर जो गैस डालने से पहले उसके अंदर वैक्यूम करना पड़ता है, क्योंकि कार के अंदर जो पाइपें रहती है उसके अंदर एयर नहीं चाहिए हमको, इसमें एयर नहीं रहनी चाहिए पूरी की पूरी सिस्टम में, इसलिए वैक्यूम करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें प्रोसेस करेंगे वैक्यूम की, सबसे पहले इस दोनों को ओपन कर देना है और इसका वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिया गया है, इसमें से यहाँ पे वैक्यूम का फंक्शन दिया गया है। इसे जैसे स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यह मोटर स्टार्ट हो जाएगी वैक्यूम की, और बाद में हमें इस वाल्व को ओपन कर देना है। तो दोस्तों, अब इनसे की मदद से क्या होगा कि कार के जो सिस्टम है उसके अंदर वैक्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह प्रोसेस थोड़ी देर चलती है वैक्यूम की, जब तक पूरी के पूरी एयर अंदर से नहीं निकल जाती तब तक यह मशीन है वो प्रोसेस करता रहेगा। तो दोस्तों, अभी यह वैक्यूम प्रोसेस स्टार्ट है। दोस्तों, मिनिमम 5 मिनट लगते हैं इस वैक्यूम प्रोसेस को होने के लिए, ताकि पूरे के पूरी जो सिस्टम है उसके अंदर से पूरी के पूरी एयर है वो निकल जाएगी, अंदर फुल्ली वैक्यूम हो जाएगा। तो दोस्तों, यह मशीन ऑटोमेटिकली वैक्यूम करना बंद कर देता है, तब हमें समझ जाना कि इसका वैक्यूम प्रोसेस कम्प्लीट हो गई है।
बाद में इस वैक्यूम के वाल्व को क्लोज कर देना है। अब क्या अंदर पूरी तरह से वैक्यूम हो गया तो अब इसके अंदर हम गैस चार्ज कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया है, उसे एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा फ्यूल ऑयल। दोस्तों इसके कंप्रेसर में ऑयल डालना ज़रूरी रहता है, हमें इसके अंदर 10 ml तक ऑयल डालना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो वाल, इसका वाल हम ओपन करेंगे तो ऑयल अंदर जाने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से 10 ml ऑयल है वो डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से इस चार्ज का बटन प्रेस करना है। दोस्तों अब यह प्रोसेस स्टार्ट हो गई है अंदर गैस डालने की। जैसे हम इस वाल को ओपन करेंगे तो अंदर गैस फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कितना गैस अंदर जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 460 ग्राम गैस को अंदर डाल दिया है। कार में कूलिंग ध्यान में लगाई है। इसको चेक कैसे करें दोस्तों मैन्युअली, आप ये पाइप देख रहे हैं, ये पाइप फुल ठंडा होना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर भेज भी आना जाना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं जो लो प्रेशर का पाइप है दोस्तों फुल ठंडा हो जाना चाहिए, इसका मतलब होता है कि कार में कूलिंग परफेक्टली आने लगेगा। क्या करना है, कार को स्टार्ट करना है और एसी को स्टार्ट करना है। दोस्तों जैसे ही अंदर गैस फिलअप हो जाएगा उसके बाद ही कंप्रेसर है वो ऑपरेट होता है, बिना गैस के कंप्रेसर ऑपरेट नहीं होता है। दोस्तों गैस डालने के बाद हमें इसका जो टेम्परेचर रहता है कूलिंग का उसे चेक करना रहता है। दोस्तों आइडल के अंदर भी ये 15 से कम रहना चाहिए। धीरे धीरे आप देख सकते हैं गाड़ी कूलिंग हो जाएगा, 15 से कम हो जाएगा, उसका मतलब है कि अपना वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अपना काम यह कंप्लीट हो चुका है तो इसे भी हमें वापस से निकाल लेना है। इसे निकालते पहले हमें क्या करना है, वाल्व को पूरी तरह से क्लोज कर देना है, बाद में इसे निकालना है। दोस्तों इस प्रोसेस के इस तरह से मशीन से गैस कार के अंदर एसी का गैस है वो फिल कर सकते हैं, ये मैंने मशीन से दिखाया। अब मैं आपको अगले एक कार में मैन्युअली कैसे किया जाता है, विदाउट मशीन कैसे गैस को फिल किया जाता है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ताकि आप बिना मशीन के भी इसमें किस तरह से गैस फिल कर सकते हैं वो सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।